प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद IAS एकेडमी के वीडियो टारगेट प्रोग्राम पे। और ये पूरा का पूरा कार्यक्रम हमारे उन सभी छात्रों के लिए है जो हमारे साथ ऑनलाइन बैच में जुड़े हैं, IAS और स्टेट PCS की व्यवस्थित क्रम में तैयारी कर रहे हैं आज़ाद IAS एकेडमी के एप्लीकेशन और वेबसाइट के माध्यम से www.azadiasacademy.com। तो आप सभी का एक बड़ा मंच आज़ाद IAS एकेडमी और उसके द्वारा संचालित ऑनलाइन बैच, एक क्रमबद्ध तैयारी, और जो हमने वादा किया था कि सफलता तक साथ रहेंगे तो साथ हैं, उंगली पकड़कर चलेंगे तो चल रहे हैं। आप लोग उंगली मत छोड़िएगा। बस बड़ी सी बड़ी विषय वस्तु आप सभी के लिए आसान हो चुकी हैं। आप जिस तरीके से प्रतिबद्धता के साथ इस एग्ज़ाम के लिए निकले थे, वो प्रतिबद्धताएं आपकी मजबूत हो रही हैं और हम उस पर खरे उतर रहे हैं, इस चीज़ का हमें भी प्रसन्नता है, खुशी है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी विश्व इतिहास की क्लास कर रहे थे और विश्व इतिहास की क्लास में आप लोग क्लास नंबर 48 तक कर चुके थे। आज उसके आगे के टॉपिक की बात है। पहली बात तो ये आपका 11वां सप्ताह है, 10 सप्ताह आपने कर लिए हैं और ये मेंस ओनली का। इसके अतिरिक्त प्री कम मेंस का बैच आप लोग उसका टारगेट अलग करेंगे, साथ में सेल्फ स्टडी भी करना है, तो सेल्फ स्टडी का टारगेट आपका आजाद पब्लिकेशन में है। इन तीनों को मिला दीजिए और आप जबरदस्त समग्रता के साथ आपकी सारी क्लासेस होंगी। चलिए, और जो भी छात्र आजाद IAS एकेडमी के ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं, www.azadiasacademy.com पे जाएं, वहां से जा करके आप आराम से बैच के साथ जुड़ सकते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट करके और पेमेंट करके। ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्लास नंबर 49 यहाँ से चालू करेंगे और विश्व इतिहास, ये विषय वस्तु मतलब आप लोग के लिए इजी है, तो आपको मेंस ओनली बैच में जाना है। वहाँ पर आपका हिस्ट्री का जो सेक्शन है, कैटेगरी है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री मेरे द्वारा कराई गई है, तो उन्हीं क्लासेज में जाना है। क्लास नंबर 49 से लेकर के आप इसे कंप्लीट करेंगे, मतलब इस टारगेट में आपकी इतिहास की समस्या समाप्त। विश्व इतिहास आप लोग के लिए सबसे आसान, जबरदस्त तरीके से सारे नोट्स और हर चीज़ मैंने यहाँ पर करवाए हैं बहुत इजीली, और बस अब आपका काम है कि आप इसको समझ पाए। तो 49 आपका है नाजीवाद या नाजीवाद का उदय, हिटलर, तो आपको एक नई अवधारणा नाजीवादी विचारधारा और हिटलर के बारे में जानने को मिलेगा, और यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज समझ सकते हैं हिटलर के उदय से ही। 50 आपका है जर्मनी में नाजीवाद, ठीक है। 51 है इटली में फांसीवाद, मुसोलिनी के बारे में पढ़ेंगे। 52 में मुसोलिनी की गृह नीति और विदेश नीति के बारे में पढ़ेंगे। 53 में आप पढ़ेंगे द्वितीय विश्व युद्ध, एक बड़ी घटना है ना, बहुत बड़ी घटना जो पूरा का पूरा विश्व इतिहास है। विश्व इतिहास में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध एक महान घटनाएं हैं और इन्होंने आधुनिकता को, आधुनिक समस्याओं में किस तरीके से इन चुनौतियों को निपटना है, कैसे आगे चल के पूरा विश्व शांति में रहे, उसको लेकर UN का उदय होता है। तो अगला आपका है यहीं पे 55 में आपका क्लास नंबर 55 जो है आपकी, इसमें है कोल्ड वार, शीत युद्ध, यानी पूरा विश्व दो धड़ों में बंटता है और एक तनाव का युग चालू होता है, वो सब पढ़ेंगे आप समझेंगे। 56 में आपका चीन में साम्यवादी क्रांति होती है, ठीक है, सिक्वेंस से मैंने सारी घटनाओं को लिया है, तो साम्यवादी क्रांति है। 57 में क्यूबा संकट है, क्यूबा संकट के बारे में चर्चा की गई है, ये आपका सब शीत युद्ध के सिम्टम्स हैं, उससे जुड़ी हुई घटनाएं हैं, मिसाइल संकट था क्यूबा मिसाइल संकट। 58 में आपका है, 58 में है शीत युद्ध की घटनाएं, वियतनाम युद्ध और क्यूबा संकट, ये इसी के अंदर जुड़ा हुआ है। 59 में अरब राष्ट्रवाद, इसके अंतर्गत तीनों चीज़ें आप पढ़ेंगे, किस तरीके से कुर्ग राष्ट्रवाद है, अरब राष्ट्रवाद है, जो फिलिस्तीनी समस्या है उसको भी समझेंगे, और यहूदी राष्ट्रवाद है इसे भी समझेंगे यहाँ पे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है। इसके बाद क्लास नंबर 60 है आपकी शीत युद्ध के शिथिलीकरण के लिए प्रयास, कैसे शीत युद्ध समाप्त होगा उसको लेके किस तरीके से वैश्विक स्तर पर विभिन्न लीडर्स के द्वारा, जो उस समय दो महाशक्तियाँ थी, कैसे प्रयास किए गए, तो ये देखेंगे आप। फिर इसके बाद 61 में है सोवियत संघ का पतन, कैसे विश्वासार्ह खत्म हो जाता है। 62 में भी सोवियत संघ के पतन, उसमें जो भी नीतियां हैं मिखाइल गोर्बाचोव की, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे आप, और कैसे जो है आपका एक ध्रुवीय विश्व का सृजन होता है, और इसी दौरान जो है एक नई जो है एक नए गुट का जन्म होता है जिसको बोलते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन, जब शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था या फिर द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, तो नैम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपको 64 में भी नैम के बारे में पढ़ना है,
65 ये है आपकी दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति की समाप्ति, ये पूरी विषय वस्तु है। और 66 आपका विश्व इतिहास है कि समाप्ति कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर विश्व इतिहास पूरा अच्छे से जबरदस्त तरीके से करवाया गया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन और इससे जुड़ी हुई जितनी भी विषय वस्तु है वो आपकी पहले ही हो गई है, वो आपका IR में करवाया गया है। यूनाइटेड नेशन उसके अंदर सुधार क्यों बना, क्या प्रोस्पेक्टिव है, तो वो सब IR में हमने ले लिया है। यहाँ पे हमने पूरी विषय वस्तु को इस तर्ज पे पूरा पढ़ा के एक एक विषय वस्तु को कंप्लीट किया गया है। अब आपके लिए इसके लिए एक बुक बताई गई है दीनानाथ वर्मा की, वो किताब आप पढ़ लेंगे, समाप्त हो जाएगी। यदि दीनानाथ वर्मा नहीं मिलती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने काफ़ी कुछ समग्रता से कराया है। आपको इंदिरा अर्जुन देव की आती है ओल्ड NCERT, तो इंदिरा अर्जुन देव की ओल्ड NCERT पढ़ लेनी है, वो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त बुक है, वो करना चाहिए, विश्व इतिहास की पुस्तक है। तो आपका कुछ भी बचेगा नहीं। या इंदिरा अर्जुन देव का यदि आपको ओल्ड NCERT नहीं मिलती तो ओरिएंटेड ब्लैक स्वान का भी आता है। कुछ बच्चे जैन एन माथुर भी पढ़ते हैं लेकिन वो किताब बड़ी मोटी है, बहुत ज़्यादा कंटेंट है उसमें, और वो ऑप्शनल स्तर के लिए तो ठीक है, लेकिन अब आपको लगता है कि विश्व इतिहास में अच्छी पकड़ बनानी चाहिए तो जैन एन माथुर भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं तो आपको सलाह दूंगा। लेकिन दीनानाथ वर्मा में क्या है कि कई ज़्यादा वो बुक निकलती नहीं है, छपती नहीं, बहुत दिक्कत होती है उसके साथ, उसका वो अवेलेबल नहीं होती ज़्यादा मार्केट में, पटना से निकलती है मेरे ख्याल से। लेकिन इसके बावजूद भी मैंने इनफ करवा दिया आपको। आप ओरिएंटेड ब्लैक स्वान में इंदिरा अर्जुन देव एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, उसका आता है समसामयिक विश्व, तो वो बहुत ज़रूरी है, और उसमें करंट का जितना भी आपका विश्व का घटनाएं हैं वो सारी वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इस तरीके से विश्व इतिहास समाप्त हो गया। अब आपका काम क्या है, इसे कंप्लीट करना, नोट्स बनाना। अगला काम क्या होगा आपका, जितना भी अगला काम है आप सभी का जो भी छात्र हैं, आपका जिम्मेदारी है कि अब आप लोग मुझे नई विषय वस्तु के साथ अगले सप्ताह से प्रारंभ करेंगे। प्री का मेंस भी आप कंप्लीट करेंगे, सेल्फ स्टडी भी करेंगे, तो मेंस ओनली की इस विषय वस्तु के बाद अगली विषय वस्तु आपके भी इतिहास ही होगी। इतिहास लंबा चलेगा हमारा, ठीक है, तो जो भी मैं गाइड करता जाऊँ, जैसे जैसे बताता जाऊँ करते जाना है, निश्चिंत होकर के पढ़ना है, पूरा विश्वास रखना है, ठीक है। पढ़ने में आनंद आ रहा होगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे पता है कैसे चीज़ों को लेके चलना है, मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, मिलते हैं अगले सप्ताह।